नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बुध के 12वें स्थानों में या 12वें भाव में क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह फल सर्वसामान्य है क्योंकि आपकी कुंडली में यदि बुध उच्च राशि में हो यानी कन्या राशि में तो वह अच्छा फल लेगा, लेकिन अगर वह नीच राशि में हो यानी मीन राशि में तो वह अच्छा फल नहीं देगा। साथ ही साथ अगर वह कम डिग्री में हो या पाप ग्रह के साथ हो तो भी वह अच्छा फल नहीं देगा। आपकी कुंडली में बुध कैसा है इस पर यह फल निर्भर है। पंचम भाव में स्थित बुध का फल। यहाँ स्थित बुध के कारण आपका स्वरूप सुंदर होना चाहिए। आपका स्वभाव पवित्र है। आप प्रसन्न चित्त, कुशाग्र बुद्धि और बुद्धिमान व्यक्ति है। आप वाद विवाद में कुशल, तर्क कुशल और मधुर भाषी व्यक्ति है। आपके सुंदर व्यवहार के कारण लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे। आप सदाचारी, धैर्यशील, चारित्रवान और संतोषी व्यक्ति है। आप उद्यमी और अपने काम में दक्ष है। आपको माता और विपरीत लिंग के व्यक्ति का सुख मिलेगा। आप राज दरबार में भी सम्मानित होंगे। आपको संतान और विशेषकर पुत्र सुख मिलेगा। आप विभिन्न प्रकार के मंत्रों को जानते हैं। पंचम भाव में बुध होने के कारण आपको आर्थिक तंगी से भी नहीं जूझना पड़ेगा। आप अपनी बुद्धि से धनार्जन करते रहेंगे। आपकी रुचि सत्ते और जुए में भी हो सकती है। आप यशस्वी और लोक समुदाय में प्रभावशाली रहेंगे। आपकी रुचि साहित्य में होगी और आप लेखक, कवि, नाटक रचयिता या उपन्यासकार हो सकते हैं। यहाँ स्थित बुध कभी कभी दम्भी भी बनाता है, जिससे बचाव करना जरूरी होगा। कभी कभी आपके मन में लोभ की भावना भी पनप सकती है, जिससे बचाव करना जरूरी होगा। यद्यपि आपको संतान सुख मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं आ सकती है या कन्याओं की संख्या अधिक हो सकती है। इन सब के बावजूद आप अपनी व्यावसायिक बुद्धि और विज्ञा के कारण एक सुखद जीवन व्याप्त करेंगे। छठे भाव में स्थित बुध का फल। यह स्थित बुध आपको विवेकवान बनाता है। आप अपने परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आप आत्मविश्वासी और पुरुषार्थ व्यक्ति हैं। आप स्वभाव से तार्किक और विनोदी हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में आप एक कठोर वक्ता भी हो सकते हैं। आपको अपने बंधु बांधवों के साथ अच्छे संबंध बना कर रहना चाहिए। कुछ लोगों के साथ आपका विरोध भी हो सकता है। हालांकि आप केवल एक शत्रु ही नहीं, शत्रुओं का समूह को रोकने में समर्थ होंगे। फिर भी उम्र के 27वें साल में आपको शत्रु भय रहेगा, लेकिन उम्र के 30वें साल में आपकी मित्रता किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ हो सकती है। आपकी शिक्षा में कोई व्यवधान भी आ सकता है। कुछ बदमाश नौकर आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए अधिकांश खर्च अच्छे कामों के लिए होंगे। हो सकता है कि आप किसी उत्तम काम के माध्यम से भी आजीविका चलाएं और अपने बाहुबल से धनार्जन करें। आपकी रुचि लेखक के कार्य में हो सकती है। आप एक अच्छे रसायन शास्त्रज्ञ हो सकते हैं या किसी समाचार पत्र से जुड़कर अथवा प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से आजीविका कमा सकते हैं। सप्तम भाव में स्थित बुध का फल। बुध की यह स्थिति अधिकांश मामलों में आपको शुभ फल ही देगी। यह स्थित बुध के कारण आप धनवान तो होगे ही, साथ ही आप रूपवान भी होगे। आपका जीवन साथी भी रूपवान होना चाहिए। साथ ही आपके जीवन साथी के पास धन दौलत भी खूब होगी। आपका विवाह कुलीन परिवार में होना चाहिए, लेकिन जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा झगड़ालु हो सकता है। आपके मित्र में स्त्रियां अधिक संख्या में होगी। आप देखने में सुंदर, कुलीन और शिष्ट व्यक्ति है। आप स्वभाव में से उदार और धार्मिक भी है। आप दीर्घायु, मधुरभाषी और सुशील व्यक्ति है। आप शिल्प कला में चतुर और विनोदी होने के साथ साथ काम कला में भी निपुण होंगे। आप विद्वान, लेखक या संपादक हो सकते हैं। आप एक कुशल व्यवसायी भी हो सकते हैं। आप किसी भी खरीदने और बेचने के काम से लाभ कमा सकते हैं, लेकिन आपको अपने व्यावसायिक पार्टनर पर विश्वास नहीं रहेगा। आपको लड़ाई या वाद विवाद से बचना होगा, अन्यथा उसमें पराजय ही आपके हाथ लगेगी। आपको भक्षा भक्ष में भेद करते हुए सात्विक चीजों का ही सेवन करना चाहिए। अष्टम भाव में स्थित बुध का फल। आठवें भाव में स्थित बुध अधिकांश में शुभ फल
देता है, इसलिए आप प्रसन्नचित्त और स्वाभिमानी व्यक्ति है। परोपकार करना आपको अच्छा लगता है। आप अपने गुणों के कारण ही प्रसिद्ध, यशस्वी और राजमान्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे। आप अपनी विनम्रता के कारण प्रसिद्ध और धनी बनेंगे। आपकी स्मरण शक्ति प्रबल होनी चाहिए। आप कुल पोषण और श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। आप राजा के कृपा पात्र और राजा कृपा से वैभव और संपत्ति प्राप्त करेंगे। स्मरण शक्ति प्रबल होने के बावजूद भी आपकी शिक्षा औसत दर्जे की होनी चाहिए। यह स्थिर भूत आपकी उम्र को बढ़ाने का काम करता है। आपकी रुचि गुप्त विज्ञा और अध्यात्म के प्रति हो सकती है। कहा तो यह तक गया है कि आठवें भाव में भूत स्थित हो व्यक्ति राजा की कृपा से औरों को दंड देने में सामर्थ्य होता है, अर्थात आप न्यायाधीश हो सकते हैं। आपको 25 वर्ष की उम्र में ही कोई बड़ा पद मिल सकता है। आपको विलासिता के अवसर मिलते रहेंगे। आप में दूसरों के कष्ट को दूर करने की सामर्थ्य होगी। आप अपने शत्रुओं पर सरलता से विजय पा सकेंगे, लेकिन आपको मस्तिष्क और नसों से संबंधित रोग या कष्ट हो सकता है। व्यावसायिक पार्टनर का चयन अच्छी तरह से जांच परख करके करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।